दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपने सरोगेसी से मां बनने की खबर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों की वजह बन गई हैं, जिन्होंने अपने सरोगेसी से मां बनने से सभी को हैरान कर दिया है। वहीं कई फैंस इन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा के सरोगेसी से मां बनने पर उनके फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं एक तरफ उनके सरोगेसी से मां बनने पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा कदम क्यों उठाया और खुद बच्चा पैदा क्यों नहीं किया। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप अपनी फेवरेट अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सैरोगेसी के जरिए एक बेटी की मां बन चुकी हैं और प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस सैरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने पर काफी ज्यादा खुश हैं और अपनी बेटी का काफी अच्छे से वेलकम भी कर रहे हैं। वहीं इनके कई फैंस और कई लोग इनके सैरोगेसी से मां बनने पर इन्हें बार बार टारगेट किए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने खुद बच्चा पैदा क्यों नहीं किया। तो हम आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इस बात का खुलासा कर दिया है और अमेरिका के डेली न्यूज के मुताबिक खबरें आई हैं और प्रियंका चोपड़ा ने इस खबर का खुलासा किया है कि उन्होंने सैरोगेसी के जरिए मां बनने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो ज्यादातर काम में व्यस्त रहती हैं और अपने बच्चे को पेट में रखने के लिए उन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती और उन्हें अपने बच्चे का खास ख्याल रखना पड़ता, पर वो शायद ही ये रख पाती क्योंकि काम में वो ज्यादा बिजी होती हैं। और दूसरा खुलासा उन्होंने ये भी किया कि उनकी उम्र 39 साल की हो चुकी है और इस उम्र में मां बनने में काफी ज्यादा कठिनाइयां भी होती हैं। हालांकि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा स्वस्थ हैं और बच्चा पैदा करने में सक्षम भी हैं, लेकिन काम में व्यस्तता की वजह से वो पेट में पल रहे बच्चे का ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती। पर अगर कुछ दिक्कत होती तो इसका असर सीधे उनके पेट में पल रहे बच्चे पर होता, जिसकी वजह से इन्होंने अमेरिका के कई बड़े बड़े डॉक्टर से सलाह ली और उसके बाद ही इन्होंने सैरोगेसी के जरिए मां बनने का फैसला लिया। वहीं बता दें, प्रियंका का फैसला कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इनके बच्चे ने 12 हफ्ते पहले ही जन्म ले लिया है और इस वक्त प्रियंका की बेटी साउथ कैलिफोर्निया के अस्पताल में एडमिट है। इस वक्त प्रियंका अपनी बच्ची के साथ ही अस्पताल में है। भले ही प्रियंका को मां बनने की खुशी मिल गई हो, पर जब तक उनकी बेटी घर वापस नहीं आती तब तक प्रियंका चैन की सांस नहीं ले पाएंगी। तो दोस्तों, आप प्रियंका चोपड़ा के इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।